हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवंश सिंह मौली। मैं एक लेखक हूं, चिंतक हूं, और आज मैं आपके साथ अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को जलाया ना जाए। या तो इसको आप दफना सकते हो, या पानी में बहा सकते हो, या किसी पशु की खुराक बना सकते हो, या सबसे ज़्यादा बढ़िया बात, किसी हॉस्पिटल में दे के इसको खोज कार्यों के लिए यूज़ कर सकते हो या करवा सकते हो। ये दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कुदरत का पहले ही मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कुदरत से जितना लिया है, मैंने उसको दिया नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी वृक्ष नहीं लगाया, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को कुदरत को देनी चाहिए थी, मैं नहीं दे पाया। मैं ये चाहता हूँ कि कुदरत का और कर्जदार ना बना जाए। यदि मैं कुदरत के कर्ज से बचना चाहता हूँ, तो मैं मेरे लिए ये सबसे बेस्ट, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फार्मूला है। सो इसको धार्मिक एंगल से ना जोड़ा जाए, क्योंकि मैं दफनाने की बात की है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको धार्मिक एंगल से जोड़ने बाद में मैं अपने बच्चों से, परिवार से, और अपने जो दोस्त मेरे, जो पारिवारिक रिश्ते हैं जिनके साथ, उन सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को, यदि मेरी इस इच्छा को आप पूरी कर सको, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसका कारण यही है कि मैं कुदरत को जो नहीं दे सका, कम से कम कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन तो दे दूँ। जो 3-4-5 क्विंटल लकड़ी जलेगी मेरे ऊपर, वो बच सकती है, और जो पोल्यूशन होगा वो बच सकता है। और दोस्तों, हो सकता है कोई आप जैसे लोग जो मेरे हम ख्याल हों, मेरी बात सुन रहे हों, उनको मेरी बात अच्छी लग जाए, वो भी इस तरीके से आगे आ सकते हैं। मतलब कुदरत के लिए अपना जो अपना योगदान है, अपना कंट्रीब्यूशन है, वो दे सकते हैं। सो आपने ध्यान रखना है, यदि ये वीडियो देख रहे हो आप, देख लिए आपने, इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इसके ऊपर चर्चा कर सकते हो। आप कोई मेरे को सवाल करना चाहो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करो या उसका घंटी वाला बटन दबाओ, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि यदि हो सके, हम कुदरत का कर्जा मोड़ने की तरफ बढ़े। नहीं मोड़ सकते, कम से कम ज़्यादा चढ़ाने की कोशिश तो हमें बिल्कुल नहीं करनी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।